वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह, तुसीं देख रहे हो टूरिस्टल इंडिया इंस्टाग्राम फेसबुक ते यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अज गल करांगे आस्ट्रेलिया दे टूरिस्ट वीजा बारे। दोस्तों, आस्ट्रेलिया इस टाइम जिहड़ा हैगा टूरिस्ट वीजा दे रहा, वधिया सक्सैस रेट है। तुसीं मेरी वीडियो देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, उसे लेटेस्ट सक्सैस स्टोरीज जिहड़ी हैगी आस्ट्रेलिया लैके अपडेट की है। लोग पुछदे ने किन्ना टाइम लग रहा जी, इस टाइम एक महीने के जरा वीज़ा आ रहा है, एक महीने आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, बट थोड़ी प्रोफाइल चंगी होनी चाहिए है। जो वीज़ा अंबैसी देती है, यदा मतलब यही नहीं कि हर एक बंद वीज़ा दे दी है, जिस बंद की प्रोफाइल चंकी होंगी है उसे वीज़ा मिलता है। ईवन के जे थोड़े को स्पोंसर भी हैगी है ना, तद भी थोड़ी प्रोफाइल जी हैगी है वह वधिया होनी चाहिए है। कई लोगों को वहम हो जाता है कि मेरे को स्पोंसर आ गई जी, मेरा तो वीज़ा लग जाएगा, जा अंदर जिन्हें रिश्तेदार भैन भाई आस्ट्रेलिया होंगे ने उस वहम ही रह जाते हैं कि सानू स्पोंसर आ गई असी वीज़ा लै लेंगे, पर इस तरह वीज़ा नहीं लगता, वीज़ा थोड़ी प्रोफाइल लगता। वीज़ा अफसर ने देखना होंगे कि थोड़े को इस तरह का की है कि तुम वापस मुड़ के आओगे। जे तुम इस तरह की कोई चीज़ दिखाने हो, थोड़ा आपका फैमिली टाइज, आपका काम कार, आपकी ट्रांजैक्शन, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, जिस तो भी अफसर को इस चीज़ की गरंटी मिलती हो कि यस यू आर राइट, तुम जेन्युइन विजिटर हैगे हो तो तुम वापस मुड़ के आओगे, फिर थोड़ा वीज़ा लगता हैगा। सो मैं एक होर बेनती करदा जे मेरी वीडियो देखते हैं उन सारे लोगों को कि किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर लो, चाहे तुम आस्ट्रेलिया या किसी होर कंट्री का तुम प्रोफाइल बनाना चाहते हो, हूँ थोड़े वास्ते सुनहरी मौका है। क्योंकि ये वीडियो मैं मार्च की पहला बना रहा है, मार्च के महीने के असी वीडियो बना रहे हैं। सो 31 मार्च तो पहला तुसी एक रिटर्न हूँ भर सकते हो, तो एक अप्रैल या मई जो रिटर्न ओपन होनगियां, यानी कि आने वाले 2-3 महीनों तुसी आपकी पूरी प्रोफाइल बना सकते हो। क्यों? क्योंकि जो वीज़ा अप्लाई करते हैं घट्टो घट आपको 2 ITR की जरूरत होती है। सो तुम 2 ITR भर सकते हो, आपका बिजनेस रजिस्टर करा सकते हो, आपकी वैबसाइट बना सकते हो, आपदी ट्रांजैक्शन बना सकते हो। सो 2-3 महीनों के ही तुम आपकी प्रोफाइल बना सकते हो, आपकी प्रोफाइल बना सकते हो। सो बननी प्रोफाइल है, प्रोफाइल पर ही वीज़ा लगना है। प्रोफाइल के होंगे की है, प्रोफाइल के काम कार दिखता है, काम कार थोड़ी इनकम दिखती है, इनकम किमें दिखती है थोड़ी ITR जी, आप गवर्नमेंट इंडिया रिटर्न भरते हैं कि मेरी इन्नी इनकम हैगी है, उस तो थोड़ी ITR साबित होंगी है, प्लस थोड़ी ट्रांजैक्शनस। ये नहीं भी तुम 5 लाख की ITR भर ली तो थोड़ी ट्रांजैक्शन नहीं लें, वैसे ये भी देखती है कि थोड़ी जी ITR है थोड़ी ट्रांजैक्शन नाल मेल खाती है। ये सारिया चीज़ा मेनटेन कर सकते हो, हर एक बंदा जिवें दी चाहे प्रोफाइल बना सकता है, उस वास्ते तुहानू टाइम कढ़न दी लोड़ है, तुहानू प्रोपर गाइडेंस दी लोड़ है। सो प्रोफाइल ते ध्यान दिओ, प्रोफाइल बनाओ, वीज़ा किते नहीं जांदा। जेकर थोड़ी प्रोफाइल अच्छी है, दुनिया की कोई ताकत थोड़ा वीज़ा नहीं रोक सकती। आस्ट्रेलिया वास्ते कि चीज़ों की लोड़ पैंदी है? आस्ट्रेलिया वास्ते थोड़ी ITR, जे तुसी जॉब करदे हो तां थोड़ी ITR, थोड़ी जॉब का प्रूफ जिवें ज्वाइनिंग लैटर हो गया, ऑफर लैटर हो गया, जेडे अकाउंट थोड़ी सैलरी आती है स्टेटमेंट, लीव लैटर, 5 लाख का बैलेंस, आह पेपर जॉब वाले बंदे नूं चाहिए ने। जेकर तुसी खेतीबाड़ी करते हो तो थोड़े जे फार्म साल की स्टेटमेंट जिथे थोड़े घट्टो घट 2 वारी पेमेंट आई होनी चाहिए है 6-6 महीने बाद, ठीक है। इस तो अलावा थोड़ी जमीन की फर्द, थोड़ी वैल्यूएशन, थोड़ा फंड, जो तुसी बिजनेसमैन हो थोड़ी ITR, थोड़े बिजनेस का प्रूफ, GST करंट अकाउंट की स्टेटमेंट, थोड़ी बैंक बैलेंस, ट्रांजैक्शनस, यही चीज़ा मैटर कर दिया ने जी। जे तुसी सरकारी जॉब करते हो तो थोनों 16 नंबर फार्म तो NOC भी लैनी जरूरी हैगी है। NOC नहीं मिलती तो लीव लैटर, सिंपल लीव लै लो, वह भी चल जाती है। सो दोस्तों, ये सारे पेपर जोड़े आस्ट्रेलिया वास्ते रिक्वायर्ड होंगे ने। तो इस तो इलावा जी ड्यूरेशन हैगी आस्ट्रेलिया के वीजे की 1 साल होती है, 1 साल का थोनों वीज़ा मिलता हैगा, तो तुम 1 साल के 3 महीने स्टे कर सकते हो आस्ट्रेलिया के। मल्टीपल एंट्री होंगी 1 साल में, तुम किन्ने बारी भी आ जा सकते है जी, तो प्रोफाइल का ध्यान रख के तुम वीज़ा लै सकते हो। उम्मीद करदा मेरी वीडियो तुम्हें वधिया लगी होगी, इस तरह की होर वीडियो देखने लिए तुम मेरा चैनल सबसक्राइब कर सकते हो। बहुत धन्यवाद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।